भरत चित्रांशी, मैं जनपद उन्नाव का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का। और आज ये हम लोगों की जो मुख्य मांग थी, ये डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन अटेंडेंस का जो आदेश, अमानवीय आदेश जारी किया गया है महानिदेशक महोदया के द्वारा, इसको वापस लेने की हम लोगों की प्रमुख मांग है। क्योंकि हम लोगों के पास केवल 14 CL हैं जिसके सहारे हम लोग पूरी अपनी नौकरी एक साल की पार करते हैं। एक साल में मात्र 14 अवकाश हमको मिलते हैं CL के रूप में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम उसके लिए अवकाश नहीं ले पाते हैं। उन्होंने आदेश जो जारी किया है उसमें सुबह और शाम में हमको अपनी अटेंडेंस प्रेषित करनी है। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर बाई चांस किसी के घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो ऑनलाइन अटेंडेंस का इंतजार करेगा या पहले अपने घर में उस आदमी को बचाने के लिए जाएगा? उनके किसी रिश्तेदार के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या मान लिया किसी के घर में, किसी शिक्षक के घर में आग लग जाए तो पहले आग बुझाने के लिए दौड़ेगा या पहले अटेंडेंस अपनी लॉक करने के लिए दौड़ेगा? इसके अलावा इस प्रकार से तमाम शोषण इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों को रिवर्ट कर दिया गया, विद्यालयों के संचालन का काम उन्होंने किया, विद्यालयों के संचालन जब आवश्यकता थी तब उन्होंने काम किया, अब उनको निकारा कह करके वापस कर दिया। इसी प्रकार शिक्षकों को अक्षम घोषित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जितने भी काम शासन और सरकार के होते हैं वो अधिकतर काम शिक्षकों के द्वारा किए जाते हैं। जनगणना, मतगणना, किसी भी प्रकार की बाल गणना, कुछ भी होता है वो शिक्षक को लगा देते हैं और शिक्षक बिल्कुल निष्क्रिय रूप में अपने दायित्वों का कार्य करने के लिए दौड़ रहा है। 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के जाती हैं। इतने दुर्गम रास्ते हैं, इतना प्रतिकूल मौसम है, कभी बारिश होती है, कभी ओले पड़ने लगते हैं, कभी गर्मी होती है, एसी में लोग नहीं बैठ रहे हैं, एसी फेल हो रहे हैं अधिकारियों के, और अध्यापक विद्यालयों में जाकर के बैठ रहा है। इस प्रकार के तानाशाहीपूर्ण आदेश की 15 जुलाई से अटेंडेंस जो लागू होनी थी वो मात्र इस ज्ञापन और धरने को देखते हुए, शिक्षकों का प्रतिरोध देखते हुए 8 जुलाई से कंपलसरी कर दी गई। उसके प्रतिकार में आज सभी शिक्षकों ने, यूपी के प्रत्येक जनपद के शिक्षकों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है और 0 अटेंडेंस गई है। पूरे प्रदेश की ऑनलाइन अटेंडेंस 0। शासन और सरकार को इसको वापस लेना होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये पूर्णतया अमानवीय है और कहीं भी किसी भी शिक्षक के साथ कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सरकार द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिए 8 तारीख से ऑनलाइन व्यवस्था की गई। 8 बजे तक जो शिक्षक उपस्थित नहीं होगा उसे अनुपस्थित माना जाएगा टाइप के माध्यम से। उसी के विरोध में हम लोग आए हुए। कारण क्या है कि जैसे इस समय बलरामपुर आधा से ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, हमारे सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, हमारा शिक्षक कैसे वो रियल टाइम उपस्थिति दे पाएगा? हर जगह की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। ये सुदूर ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं, शिक्षक दूर दराज जाता है 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर। रियल लाइन ऑनलाइन उपस्थिति है, ये पूर्णतया अव्यवहारिक है। ये 365 दिन कोई एक व्यक्ति इतना इंटीरियर में जाके डेली ये काम नहीं कर पाएगा। हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है। बलरामपुर के सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जो जंगलों में हैं, जहां आए दिन तेंदुआ, शेर और बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं, सड़कें तक नहीं है। वहां का हमारा शिक्षक कैसे ऑनलाइन उपस्थिति रियल टाइम पे दे पाएगा? वो विद्यालय खोल रहा है उसके लिए वही बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं सब व्यवहारिक समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार या तो हमारी व्यवहारिक समस्याएं जो आ रही हैं बीच में दूर कर दे, अगर दूर नहीं कर पा रही तो ये व्यवस्था कदापि न लागू करे। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ करते हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? हम ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख लगभग 7 लाख शिक्षक हैं, मात्र 9 लोगों ने दिया है। हमारा विरोध विद्यालय स्तर पर चलता रहेगा। जहाँ जहाँ संगठन के लोग बुलाएंगे, लोग हर प्रकार से उपस्थित होकर हम प्रदर्शन करेंगे अपना, यहाँ से लेके और राजस्थान। सर, हम लोग जो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हम लोग को आदेशित किया गया है उसके लिए हम लोगों ने पूरा मिलजुल कर विरोध करना शुरू किया है, क्योंकि ये ऑनलाइन उपस्थिति का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है और जो हमारे जहाँ पर हम पहुँचते हैं उसके लिए जो हमारे पास साधन है वो बहुत ही सही नहीं है और इसके पास सीमित है, और वहाँ पहुँच पाएँ इसके लिए भी बहुत जरूरी रास्ते नहीं है, सही तरीका नहीं है। और वहाँ पर इतनी इस समय जैसे बलरामपुर का जो इलाका है ये हमेशा से बाढ़ग्रस्त रहा है, और बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद भी 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस देने का जो आदेश है बिल्कुल गलत है, और इसके विरोध में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रधानाध्यापक, हम सब मिलकर एक साथ इसी बात को कहेंगे कि ऑनलाइन उपस्थिति ना लिया।